नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और मैंने ये खास प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो 17 और 18 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा दो, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न करा दो जो सीधे हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो वैसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई और टोटल ये परीक्षा के दृष्टि से मैंने तैयार किया है, तो आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है ला लीगा ट्रॉफी? तो इसका जो संबंध है वो है फुटबॉल से। किसे? फुटबॉल से। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इस मीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो है आपके सामने कि तेंग बोचो मठ कहाँ स्थित है, यानी कौन से देश में है ये तेंग बोचो मठ? तो ये स्थित है नेपाल। कहाँ पर? नेपाल में है। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो है विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन है। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि पवनों का देश के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो पवनों का देश के उपनाम से जाना जाता है डेनमार्क को। किसे? डेनमार्क को। तो चार का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या पाँच है आप लोगों के सामने कि यस बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो किसने की है यस बैंक की स्थापना, ये आप लोगों को बताना है। तो यस बैंक के जो संस्थापक हैं वो हैं राणा कपूर। कौन है? राणा कपूर। पाँच का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः आपके सामने कि तिसोगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है तिसोगमो झील? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम में तिसोगमो झील। छः का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने है सात कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन? तो ये गठन हुआ था 1925 में। सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ है आपके सामने कि आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये आदि कैलाश पर्वत? प्रश्न संख्या आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में है आदि कैलाश पर्वत। आठ का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बना है ये चमेरा बांध? प्रश्न संख्या नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चमेरा बांध है इसे बनाया गया है रावी नदी। कहाँ पर? रावी नदी पर। नौ का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या दस है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल? प्रश्न संख्या दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। दस का आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय?
तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 है आप लोगों के सामने कि बरासाई की संधि किस वर्ष, बरासाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, कब हुई थी बरासाई की संधि ये आपको बताना है। तो ये जो संधि हुई थी वो 1919 में हुई थी। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है दूध सागर जलप्रपात, तो ये स्थित है गोवा में। यहाँ पर गोवा में 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, तो कब स्वीकार किया गया था बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे 1972 में स्वीकार किया गया था। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है कि तवांग मठ किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन से राज्य में है ये तवांग मठ। तो आप लोग जानते हैं कि जो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है। प्रश्न संख्या 16 है कि आपके सामने कि राज्यसभा के पहले सदस्य कौन थे, और इस पेटर सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया और इसके बाद उनका एग्जाम हो जाएगा 17 और 18 फरवरी को। तो आप लोग बस इतना सहयोग करते रहिए कि वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा। तो बताओ कौन थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी लोकसभा नहीं राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछे गए थे। तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं वो आप लोग जानते कि एस राधा कृष्णन है। कौन एस राधा कृष्णन, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन थी, तो कौन सी है, तो चालुक्य वंश की जो सबसे पुरानी राजधानी है वो है बादामी। कौन सी है बादामी। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 18 की ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित हैं, तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं ज्वाला गट्टा। इनका जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ में स्थित है, यानी जो कौन से देश में है हम्बनटोटा बंदरगाह, तो ये स्थित है श्रीलंका में। यानी 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 20 कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है ये मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये स्थित है मिजोरम में। कहाँ पर है मिजोरम में। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस ये आपको बताना है। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो कितने राज्यों में बताओ। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 22 का आंसर
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो कौन सा है बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है हिंद महासागर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से प्रश्न संख्या 24 का आंसर आप लोग बताओ कि सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन है, तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है ये आप लोगों को बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा देखें फ्रांस में, कहाँ पर है फ्रांस में। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने है 25 कि एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन से राज्य मनाया जाता है एथुरियम त्यौहार, तो इसे मनाया जाता है मिजोरम में, कहाँ पर मिजोरम में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन है, तो कौन से राज्य में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है महाराष्ट्र है, यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आप लोगों के सामने कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसे किसने लिखा है बताओ माई कंट्री माई लाइफ को, तो इसे लिखा है एल के आडवाणी, जिसका पूरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 28 कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये 1856 में लागू हुआ था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, तो कब तक रहा था बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा, तो ये 1971 तक रहा है, यानी 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि तजला गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये कौन से राज्य में तजला गुफाएं, प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो तजला गुफाएं ये गुजरात राज्य में है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था बताओ, प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली में जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था खिज्र खान, किसने खिज्र खान ने, यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है, तो ये कौन से शहर में स्थित है बताओ, प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये हरियाणा के पिंजौर शहर में स्थित है, यानी 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ कौन थे 1978 में भारत के प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई, कौन मोरारजी देसाई थे। प्रश्न संख्या 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना, तो ये स्थापना 1920 में हुई थी, कब 1920 में। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 35 कि धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है ये धौलागिरी शिखर, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो धौलागिरी शिखर है ये स्थित है नेपाल, कहाँ पर है? नेपाल में है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है हिल पैलेस संग्रहालय? तो ये स्थित है केरल, कहाँ पर है? केरल में। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 37 की महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो कौन था? तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त सम्राट था वो था चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेटे सेट का कि कुल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये कुल पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये पेटे सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।